नमस्कार। दिल्ली की आवाज का एक कारवाज पहुंच चुका है नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र। आज हम जानेंगे लोगों की समस्याओं को और कितनी समस्याएं वहां पर दूर हुई है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। इससे पहले जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जनता की समस्याएं क्या हैं, विधायक उनके समस्याओं को कितना दूर कर पाए हैं और उनकी समस्याओं पर कितना खरा उतरे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफर की दिल्ली की आवाज। तो दिल्ली की आवाज़ का एक कारवां दिल्ली के विधानसभा नजफगढ़ में हम पहुंच चुके हैं और लोगों से लगातार उनकी राय जान रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं। कैसी सरकार उनको चाहिए और कितना विकास इलाके में हुआ है। समस्याएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान क्या इन 5 साल और 4.5 सालों में हो पाया है, क्योंकि अब फिर से दिल्ली में चुनाव है, नई सरकार बनेगी, दिल्ली में नया मुख्यमंत्री, यही जनता चुनती है, यही वोट देते हैं, और उसके बाद आने वाले वक्त में जो विकास की बातें होती हैं वो कितनी पूरी होती हैं और क्या आने वाले वक्त में सरकार का रोड मैप होना चाहिए, क्या सरकार के प्रति जो जनता की अपेक्षाएं वो कितनी पूरी हुई हैं, ये भी आज हम जानने की कोशिश करते हैं। तमाम जो यहाँ के लोग हैं मौजूद हैं यहाँ पर, हम उनसे एक एक करके उनके पास जाएंगे। गांव की समस्याएं क्या हैं, कितने वादे जो पूरे होने चाहिए थे वो पूरे हुए हैं और कैसी उन्हें सरकार चाहिए दिल्ली में। ठीक है जी, सुमेर जी बताइए कि कैलाश गहलोत आपके विधायक हैं, अब दिल्ली में फिर से चुनाव आने वाले हैं, समस्याएं इलाके की बताइए। सबसे बड़ी समस्या है ये धारा 81 की। किसान अगर अपने खेत में हम एक पशुओं के लिए चारा डालने का कमरा बनाते हैं तो भी उसको ग्राम सभा वेस्ट कर देते हैं। ये इन्होंने केजरीवाल ने वादा किया था कि हम किसानों की मदद, ना तो कोई दिल्ली में कृषि मंत्रालय ना कोई किसान आगे सुन रहा। अगर हम एक भैंस के लिए बना ले, पशु के लिए कुछ भी, तो ग्राम सभा वेस्ट कर देते हैं। हम किसान भाइयों ने धरना दिया था गेवरे मोड़ पर, उन्होंने वादा किया था कि हम तुम्हारे पूरी सुविधा देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। पिछली बार सरसों में गेहूँ में नुकसान था, कोई मुआवजा नहीं दिया। काम हो रहा है क्या? काम नहीं हो रहा बता रहे, परेशान कितने आम आदमी की नहीं है, बोलने बोलने की है, गंदगी इतनी आती है। अगर आप बारिश के टाइम पर आ जाओ ना यहाँ पे तो बताते, कैलाश गहलोत आ जाओ एक बार, उसको हाथ पकड़ कर निकाला जाएगा गंदे पानी में से। ठीक है भाई, कोई सरकार नहीं, कुछ काम नहीं कर रही। अभी इस भाई ने जो बात कही बहुत अच्छी कही है, और इसके साथ साथ एक समस्या और भी है, जो कैलाश गहलोत ने जितनी भी रोड और नाली और ये बनाए हैं उसमें सिंगल माल गिरा है। आज वो रोड टूट चुके हैं और वो नालियां टूट चुकी हैं, जगह जगह गिरे पड़े हैं, जगह जगह कोई सुनाई नहीं। ये कैर रोड है, यहाँ आदमी निकल नहीं सकता, इतना बुरा हाल है। अगर यहाँ से पैसे देकर लोगों ने पानी निकलवाया है, रास्ता नहीं है यहाँ आने जाने के लिए, तो वो रोड को नहीं बनवा सकते, नालियों को नहीं बनवा सकते। रोड जो बनाए वो टूट चुके हैं अभी से पहले। ये रास्ता जा रहा है इधर, मेन रोड है जो अपना बहादुरगढ़ को भी जोड़ता है, कैर गांव को भी, मुंडेड़े को भी, और हरियाणा लोकसभा में भी जाता है। उस रोड पर निकलने के लिए निकासी नहीं है, ना पानी की निकासी है, ना आदमी निकल सकते, वहां गंद और लिया घेर दिया उस रोड पर। और आप ओम फार्म से लेकर वो आप यहां रावता मोड़ के चौराहे तक आ जाओ, जो नाला गंदा पानी जो नजोड़ी कॉलोनिया का, वो इस देहात में लेकर छोड़ दिया गया। और दिल्ली ये कहते हैं केजरीवाल ने, ये क्या केजरीवाल ने दिल्ली को 15-25 साल पीछे भेज दिया। दिल्ली का विकास जो वो 25 साल बाद चला गया, दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ ना। देचाओ डिपू था कि यहाँ बहुत पुराना इस देहात का डिपू था, वो डिपू ही बंद हो गया। ये क्लस्टर जो बस आई है इनका डिपू खोल दिया, जो मैन जो था DTC का, आप जानते हो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है कैलाश गहलोत जी, उन्होंने इस डिपू की कोई वो नहीं किया। जो बसें आई हैं जो बाहर हुए दिल्ली में ही कर दी इलेक्ट्रिक। यहाँ जो एक बड़ा मुंडेड़ा कला में एक डिपू बन रहा था, उसमें क्या काम किया? जो दिल्ली की बसें इलेक्ट्रिशियन जो बसें आएंगी वो यहाँ सिर्फ खाली चार्ज होएंगी, यहाँ के आदमी उस इलेक्ट्रिशियन बसों में बैठ भी नहीं सकते। वो काम किया केजरीवाल ने। कैसी ये जो मोदी बोलता है वो करके दिखाता है, ऐसा ही मुख्यमंत्री दिल्ली में चाहिए, जो बोल रहे वो करके दिखावे, नहीं तो झूठी शांत होना नहीं। आज बिजली की आज पानी की घोषणा करिए, पानी फ्री लोगों से बैरियर लगा के पैसे ले रखे, वो वापस दे दो केजरीवाल पहले जो ले रखे। और आज बिजली की वो फ्री कर रहा है, कभी पानी फ्री कर रहा है, कभी कुछ फ्री कर रहा है, और कोई फ्री नहीं होता, कुछ नहीं काम हो रहा है। ये समस्याएं हैं, तीसरे दिन डॉक्टर मीटिंग करते हैं, कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल कहता है कि हमने ये मतलब खेती बाड़ी का वो कर दिया, ये कहते हैं सेंटर की पॉलिसी यहाँ कोई लागू नहीं है। तीसरे दिन गांव हर गांव में मीटिंग करते हैं डॉक्टर, सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं किसानों के लिए, कोई रेट नहीं किसी भी चीज़ का। ठीक है, और क्या सुविधा उनके पास? नाव भी तो दिल्ली में आ रहे हैं, फिर क्या तो वादे कर देंगे, काम कुछ नहीं करना। क्या चाहिए आपको, कैसी सरकार अब चाहिए? हमें किसानों की सुविधा चाहिए। हाँ, किसानों के पास कोई सुविधा नहीं है, किसी भी चीज़ की सब्सिडी नहीं है, किसी भी चीज़ में सब्सिडी नहीं है, ना ही कोई रेट है। वो ऐसे 2100 रुपये बाजरा बता रहे हैं, यहाँ 1500 रुपये बाजरा भी नहीं बिक रहा है।
हाँ जी, किसानों की समस्या ही समस्या है, कोई सुविधा नहीं किसानों के लिए, किसी ने शिकायत नहीं की कभी आपने? हमने लिखित में हर चीज़ में शिकायत दे ली, उन्होंने वादा भी कर दिया, रावता गांव का वो कितने दिन हो ले उसका वो डिबिट कराया था, वहाँ पर उन्होंने सर्वे भी करा दिया, वहाँ का भी कुछ नहीं किया उन्होंने। हाँ, कोई हल नहीं है, सिर्फ वादा है, सिर्फ वादा है, कुछ नहीं हो रहा है। एक मिनट आ रहे हैं। देखिए समस्याएं बहुत सारी है, गुस्सा जाहिर तौर पर होता है जब समस्याएं पूरी नहीं होती हैं। आप बताइए। एक एक इंजेक्शन एक एक घंटा लगा देते हैं, पूरा दिन पड़े रहो, पूरी रात पड़े रहो, दो दिन एडमिट रह गई हूँ, लेकिन कोई गौर वाली बात नहीं है। अच्छा। ठीक है, और रिश्वती लेके सब कुछ हो रहा है। यही रहते हैं आसपास ही? यहीं पे रह रही ये रहना। तो कैलाश गहलोत आते हैं? नहीं, यहाँ पे कोई कैलाश गहलोत कोई नहीं आए हैं। अभी इसने हॉस्पिटल में सुविधा क्या सुविधा दी है ये बता दो, क्या सुविधा दी है? कोई सुविधा नहीं दे रखी इसने। समस्याएं हैं यहाँ पर नजफगढ़ के लोगों की, और लगातार हम लोगों से जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कितना विकास पिछले 4.5 सालों में हुआ है, क्योंकि 2015 में जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे, कैलाश गहलोत यहीं से विधायक चुने गए थे और यहाँ की जनता ने उन्हें चुना था, लेकिन 4.5 साल पूरे हो गए हैं, फिर से दिल्ली में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, और लगातार इन समस्याओं को लेकर कितना काम हुआ है ये दिल्ली की जनता से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। इसीलिए आज दिल्ली की जनता बोल रही है अपनी समस्याओं को लेकर। कुछ और लोगों से चलिए बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या है समस्याएं इलाके की और कितनी दिक्कतें उन्हें हो रही हैं। तो दिल्ली की आवाज़ का एक कारवां नजफगढ़ पहुंच चुका है, समस्याएं बहुत सारी हैं। इस वक्त हम एक जगह पर मौजूद हैं, ठीक मेरे पीछे मैं आपको सबसे पहले ये पूरी तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही हो वहाँ तक सिर्फ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। दरअसल ये पानी नहीं है, ये खेत हैं, ज़मीनें हैं किसानों की, और ये पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है, पानी में तैरते हुए खेत आपको नज़र आएंगे। 5600 एकड़ ये पूरी ज़मीन जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, लेकिन राप्ता गाँव की 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। यानी कि आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जिन लोगों के पास, जिन किसानों की ज़मीन यहाँ पर होगी, उनकी ज़मीन पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। अब उनके आगे कोई भी विकल्प नहीं है। सरकार के पास गए, मुख्यमंत्री के पास गए, अधिकारियों के पास गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। आप अंदाज़ा लगाइए, जिसका एक खेत होगा, जिसकी आजीविका इसी खेत से होगी, जो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है, वो आखिर क्या करेगा किसान? वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? सवाल बहुत सारे हैं जिनका जवाब अधिकारियों को देना होगा, दिल्ली सरकार को देना होगा। हमारे साथ यहाँ पर गांव के लोग मौजूद हैं, किसान मौजूद हैं, जिनकी भी ज़मीन इसी पानी में डूबी हुई है, जिसका आप पीछे नज़ारा देख पा रहे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आप ये बताइए, कितना एकड़ होगा ये पीछे? पूरा पानी तालाब ही नज़र आ रहा हमें। ये 5600 एकड़ रावता की 112 एकड़। ये हो गई 2005 के बाद ऐसे ही पड़ी पानी भरा। 2005 के बाद तो सरकार खेती होती नहीं इसमें। खेती होती नहीं, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी उसमें होती थी खेती। 2005 से पहले होती थी खेती, उसके बाद नहीं। उसके बाद ड्रेन की सफाई नहीं होती ना, तो और फ्लोर बैक मार जाते हैं पीछे खेतों में। और भी गाँव है इसमें, हरियाणा के भी कुछ? 5 गाँव हरियाणा के, 1 गाँव दिल्ली का। आपकी भी जमीन है इसमें कितनी? 12 एकड़। 12 एकड़ जमीन है। 2005 से इसमें खेती? 2005 से कुछ नहीं हो रहा, ना खेती ना कुछ नहीं, खेत में नहीं जा सकते, कैसे जाओगे इन खेतों में, बताओ आप। तो आप गए अधिकारियों के पास? सब जगह, प्रधानमंत्री कार्यालय में, उपराज्यपाल जी के, चीफ सेक्रेटरी के, कमिश्नर के, और डीसी ऑफिस का पसेड़ा, एसडीएम के, मतलब जहाँ जहाँ जा सकते हैं, हर जगह कागज कार्रवाई कर रखी है, कोई समाधान नहीं। तो ये जो पानी है, पानी आता कहाँ से? अधिकारी यहाँ पर आए, सर्वे भी हुआ मैंने सुना यहाँ पर, हरियाणा से पानी आता, तो कोई विकल्प नहीं है इसका, क्या पानी को रोका जाए? अधिकारी क्या कहते हैं यहाँ पर आके? यहाँ पे कुछ नहीं कहते अधिकारी, एनजीटी के ऑर्डर है, इसमें एक बूंद भी गंदा पानी नहीं गिरेगा। सारा गुड़गांव का जितना भी गुड़गांव बढ़ा है 2005 के बाद में, सारा पानी इसी में आता। 5600 एकड़ जमीन कम नहीं होती है, सिर्फ राप्ता गाँव की करें, 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन यहाँ पर पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। यानी कि आप देखिए, जिस किसान के पास ज़मीन ही माध्यम होता है, जिस किसान खेती से ही सारी चीज़ें अपनी व्यवस्था को चलाता है, वो किसान आखिर क्या करे? गंदगी बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसान जाए तो जाए कहाँ? इससे पहले कई बार अधिकारी यहाँ पर आए, सर्वे किया गया यहाँ पर, आश्वासन मिला है, लेकिन आप देखिए, आश्वासन के बावजूद भी अब तक ये स्थिति ऐसी है, तकरीबन 5600 एकड़ जो ज़मीन है पूरी तरह पानी में डूब चुकी है।
तो नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हम लोग हैं, लगातार लोगों के बीच भी हम जा रहे हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बड़ा मार्केट है, लेकिन यहाँ पर जो समस्या है वो जाम की भी बहुत बड़ी समस्या है। अक्सर यहाँ पर जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है, क्योंकि ये एक लंबे समय से समस्या यहाँ पर बनी हुई है, जो लगता है कि इसे दूर करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि घंटों कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि यहाँ पर लोगों को जाम में फंसना पड़ता है। हालांकि आवाजाही बहुत ज़्यादा वाहनों की होती है इस रोड से, मेट्रो का काम भी यहाँ पर चल रहा है, लेकिन इस दरमियान अगर हम देखें छोटे वाहन से लेकर बड़े वाहन यहाँ से लगातार गुजरते हैं, उसके बावजूद भी आप देखिए जाम की जो समस्या है यहाँ पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और लगातार बहुत बड़ा ये लंबा चौड़ा मार्केट है, आवाजाही वाहनों की बहुत ज़्यादा है, लेकिन बावजूद इसके जाम की समस्या यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही। ये भी एक समस्या यहाँ पर जो लोगों को हमेशा परेशान करती है। तो इस वक्त हम नजफगढ़ के सोम बाज़ार में आ गए हैं, यहाँ पर भी हम लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्या समस्याएं हैं, दिल्ली सरकार से वो कितना खुश हैं। हालांकि अभी वादा किया गया था, आपको याद होगा 200 यूनिट तक दिल्ली सरकार ने वादा किया था, 200 यूनिट तक अगर आपका बिजली का बिल आता है तो पूरी तरीके से वो माफ़ होगा, उसको आपको पैसा नहीं चुकाना होगा। ये भी हम जनता से पूछेंगे इस वादे को लेकर वो कितना खुश हैं, और चुनाव आने वाले हैं ऐसे में सरकार उन्हें क्या चाहिए, आप बताएं बाबू जी। दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, समस्याएं क्या है ये बताइए। हमारे कोई समस्या ही नहीं बताएं क्या? नहीं, बिजली पानी सारा कुछ बढ़िया है, पर सड़क नहीं बढ़ी अभी। आप बताइए समस्या बताइए। और मेरा नाम वीपी खुराना है, मैं वीरेंद्र मार्केट नजफगढ़ से, और हमारे यहाँ पे काम चल रहा है बहुत ही, बस सड़क सड़क का रह गया, नालियाँ नुलियाँ बन चुकी हैं और पानी भी सही आ रहा है, सीवर की थोड़ी समस्या है वहाँ पे। हाँ, सोम बाजार में भी पानी रुक जाता है बारिशों में। विधायक साहब आते हैं क्या इलाके में, समस्याएं दूर हुई? नहीं, विधायक जी तो आते हैं। देखो विधायक जी इस एरिए में अपने नजफगढ़ क्षेत्र में कार्य भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने अभी कैर गांव में बहुत अच्छा स्टेडियम बनाया है, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है, बहुत अच्छा स्टेडियम है। हमें जैसे हमारा देहात है तो देहात के हिसाब से यहाँ के बच्चों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, हर काम ठीक है। हमारे कैलाश गहलोत जी का बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और आने वाला देखो विधायक रूप में वो अच्छे भी हैं, हम चाहते हैं कि आगे वो दोबारा आए बस। लेकिन सोम बाजार की जो मेन समस्या है ना, वो सबसे बड़ी समस्या जल भराव की, क्योंकि यहाँ पर जल भराव बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हम देखते हैं कि हमारी दुकानों के अंदर पानी चला जाता है, जबकि हमारी दुकानें जो हैं सड़क से कम 4 फीट ऊपर है, फिर भी यहाँ पर 4 फीट से भी ज़्यादा पानी हो जाता है। तो मेरा सिर्फ अपने कैलाश गहलोत जो यहाँ के विधायक हैं नजफगढ़ एरिया के, नजफगढ़ क्षेत्र के, उनसे एक ही वो है कि यहाँ पर की जो जल समस्या है इसका समाधान करें। ऐसा है, इतना पानी भर जाता है कि बाहर की पूरी मार्केट ही लगनी बंद हो जाती है। खुश हैं? बिल्कुल खुश है जी। अच्छा, लेकिन जल भराव यहाँ बता हो जाए तो बिल्कुल बल्ले बल्ले है। ये कब से है समस्या? ये शुरू से ही है सर जी, शुरू से। कम 30 साल तो मेरे को देखते हुए हो गए। 30 साल? आप 30 साल हो गए, 30 साल से समस्या का समाधान नहीं हुआ। समस्या तो कोई नहीं है, बस एक दिक्कत है कि पानी भराव की, जो भाई साहब ने बताया है, और एक जाम की, दो सुरक्षा, और जैसे जहाँ टर्निंग ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा आवागमन है गाड़ी की, वहाँ दिक्कत होती है, उसकी वजह से जाम लग जाती है, बस ये दिक्कत है, बाकी सारी काम उनकी अच्छा है। अच्छा, जैसे बता रहे हैं कि जल भराव हो जाता है, उससे जो व्यापार है उसमें तो फर्क पर ग्राहक नहीं आते होंगे फिर पानी भर जाता? सबसे ज़्यादा फर्क तो सर ये पड़ता है, जो यहाँ पे पानी भरने के बाद जाम लग जाता है, और समस्या के समाधान किसी ने भी नहीं करी है। शिकायत तो बहुत की है, मगर समस्या का समाधान किसी ने भी आकर के नहीं, एक बार देखने भी नहीं आते हैं किसी ने। लोग कह रहे थे कि गहलोत साहब आते हैं, समस्याएं सुनते हैं, कोई नहीं आते हैं जी, सारे झूठे बात है, कोई नहीं आते हैं। जाम की समस्या, जल भराव की समस्या अब तक दूर नहीं? अब तक दूर नहीं हुई है, उम्मीद अब आगे देखो क्या है, उम्मीद तो नहीं के बराबर ही है। एक बात बताइए मेरे को, अब दिल्ली में फिर से चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, पहले आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अब क्या लग रहा है आपको, सरकार कैसी होनी चाहिए? आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ तो सरकार तो अच्छी है, मगर सरकार के नीचे जो आदमी वो काम सही करे तभी तो अच्छे होंगे। हाँ जी, ये समस्याएं हैं दिल्ली की जनता की, और इन्हीं समस्याओं को दूर करना जिम्मेदारी होती है किसी भी जनप्रतिनिधि की, विधायक की, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कुछ लोग नाराज़ हैं विधायक से, कुछ लोग खुश हैं, क्योंकि सोम बाजार जो कि एक व्यस्ततम मार्केट है, बहुत सारा क्राउड यहाँ पर देखेंगे, आवाजाही बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जो ग्राहक आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आएंगे, लेकिन उस तरह से सुविधाएँ जो होनी चाहिए मार्केट में, वो सुविधाएँ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जल भराव की जब स्थिति होती, ख़ासतौर पर बरसात के दिनों में, बारिश के समय ये बहुत ज़्यादा जल भराव की स्थिति होने से इनके व्यापार पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो ग्राहक है वो नहीं आते हैं। जाहिर है ये भी एक समस्या है जिसे दूर करना विधायक कैलाश गहलोत की जिम्मेदारी थी, लेकिन कितना उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है ये जनता यहाँ पर बता रही है।
तो हम पहुंच चुके हैं नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र सुरहरा गांव हम जा रहे हैं इस वक्त। वहां के लोगों की समस्याओं को जानेंगे कि क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं से वो दो चार हो रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से भी बहुत सारे दावे किए गए, लेकिन उन दावों पर वो कितना खरा उतरी है, आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ गांव के बहुत सारे बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, यहाँ पर ग्राम प्रधान यहाँ पर मौजूद हैं, गांव के मुखिया यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा गांव के जो किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो लंबे समय से इस गाँव में रहते हैं, इस गाँव की समस्याओं को जानते हैं। चलिए उन्हीं से बातचीत करते हैं, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत सरकार जो है ना गेहूँ का सरसम का भाव रखती है और वो हमारे किसानों को, दिल्ली के किसानों को कभी भी नहीं मिलता। चार साल से बिल्कुल भी कोई खरीदारी नहीं हो रही, ये बहुत किसानों के लिए बहुत ही तकलीफ की बात है, क्योंकि जो भारत सरकार मूल्य रखती है उसके मूल्य पर कभी भी नहीं बिकता। दूसरे जो ये है वसीयत का है, जैसे पिता गुजर गया और उन बच्चों को वसीयत होनी है तो वो भी म्यूटेशन रोक रखी है, पता नहीं ये क्या बात है, क्यों रोक रखी है। इससे किसान बहुत ही तकलीफ में है, क्योंकि उनको जो भारत सरकार कुछ ऐड देना चाहती है वो भी नहीं मिलती, क्योंकि अभी ये कह रहे हैं अगर 2000 रुपये हर किसान को तीसरे महीने मिलेंगे, 6000 रुपये मिलेंगे, उससे भी हमारे दिल्ली के सभी किसान वंचित हैं। समस्याएं आपने बहुत सारी बताई, अब तक कहां कहां आप लोग गए, कहां शिकायत की आपकी और आश्वासन क्या मिला आपको अधिकारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से? इसके लिए हम दिल्ली सरकार में भी गए हैं, मुख्यमंत्री साहब से भी मिले हैं और ऊपर भी हमने तो भारत सरकार में भी ये बात उठाई है, जो परंतु इसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। जब चुनाव आता है तब किसानों की याद आती है, उसके बाद आप देखिए समस्याएं अब भी जस की तस बनी हुई है। आप बताइए कि चुनाव के वक्त ही सरकारों को किसानों की याद आती है क्या? समस्याएं तो बहुत सारी हैं यहाँ पर, किसानों की दूर क्यों नहीं हुई आज तक? मैं सबसे पहले तो मैं जनतंत्र के आपके एक जो शंकर जी, आप जो प्रेस रिपोर्टर का काम कर रहे हैं और हमारे गाँव में पधारने पर जो आप, मैं गाँव की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समस्याएँ तो बहुत हैं, लेकिन जो मेन समस्या सबसे पहले हमारे जो उसमें आती है कि जैसे हमारा क्षेत्र नजफगढ़ गांव हमारा पड़ता है, क्षेत्र नजफगढ़ से पड़ता है, बिलोंग करते हैं हम नजफगढ़ को शहर को, उसमें आने जाने की सुविधाएं, बाईपास, जाम इतना रहता है कि उसमें कम से कम आदमी दो दो घंटे, तीन तीन घंटे उसमें जाम में फंसा रहता है। ये तो हमारी मेन समस्या जुड़ी हुई उससे होगी। अभी जो प्रधान जी ने बताया कि हमारे जो किसान हैं जो हमारा क्षेत्र से जो बिलोंग करते हैं वो नजफगढ़ मंडी को करते हैं, नजफगढ़ मंडी में जो अब से पहले जो सरकार ने रखा कि हम तुम्हें इसमें विश्वास, जो विश्वनाथन की जो रिपोर्ट है वो उसको लागू करवा देंगे, लेकिन उन्होंने उस बात को नहीं किया। हमें आश्वासन मिलता रहा लेकिन हम उस चीज़ को पूरा उसमें नहीं कर पाए। वो रही दूसरी बात, हमारी एक लैंड पुलिंग की उसमें चल रही है, जो आज हमारे क्षेत्र घोषित कर दिया कि तुम आर जोन में हो, तुम एन जोन में हो, तुम पी जोन में हो। हमारा क्षेत्र जो है वो आर जोन में, लेकिन उस बारे में हमें कोई सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, ना कोई नेता कर पाया और ना ही कोई हमारा इसको जो DDA से जुड़ा हुआ है, वो हमारे गांव में आए भी थे लेकिन हमको अच्छे से ढंग से सेटिस्फाइड नहीं कर पाए। हम दिल्ली सरकार को निवेदन करते हैं किसान यूनियन की तरफ से, हमारे किसान की क्या गलती, हम किसान के घर जन्म ले लिया, हम खेती बाड़ी करें, अन्नदाता ही हमारी गलती है। हम अपनी रिक्वेस्ट करिए उस ज़मीन को अधिग्रहण करो, नहीं तो हमारे किसानों को उसका मुआवजा दिया जाए। जो हमारे प्रधान जी ने पीछे जिक्र कराया, हमारे 96 गांव हैं जो आर जोन में डिक्लेयर करे हैं, नोटिफिकेशन किया है, 96 गांव हमारे आर जोन में, 47 गांव हमारे ग्रीन बेल्ट में। गंदा पानी है, व्यायामशाला है, जैसे हमने बहुत बार एप्लीकेशन लगाई व्यायामशाला की है, और गांव से बाहर जो हमारे अप्रोच रोड्स हैं खेतों के बीच में उसके ऊपर लाइटिंग का है, तो उसके लिए भी हमने काफ़ी सारी एप्लीकेशन लगाई हैं कि उन पे रात को जब हमारे बच्चे, हमारे गांव की औरतें, बूढ़ी माताएं घूमने जाती हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है अंधेरे में, और गर्मी का टाइम है तो अभी थोड़ा सा मच्छर मक्खियों का और कीड़े काटे का भी बहुत ज़्यादा डर होता है, तो वो भी कोई सुनवाई वगैरह कुछ होती नहीं है। वो गलियां, नाले सब भरे पड़े हैं, ना कोई सफाई वाला था, ना कोई झाड़ू वाला था, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आज भी
98 के बने हुए नाले हैं हमारे गांव के अंदर। कब 98 था? 2019 है। किसी आदमी ने आज थोड़ी किसी भी सरकार ने हाथ नहीं लगाया। हमारे गांव में पानी का मीठा पानी नहीं है जी, आज भी खारे पानी से अपना काम चला रहे हैं। रही दूसरी बात बिजली की, अब हमारे गांव में बिजली की दिन में 5-5, 6-6 घंटे हमारे बिजली कटती है जी। तो समस्याएं बहुत सारी है। हमें लगता है कि जनता के बीच में जाकर जनप्रतिनिधि जो वादे करते हैं उन वादों को अगर पूरा नहीं किया जाता है तो जनता उसका जवाब देना भी बखूबी जानती है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं शंकर दत्त पंत, जनतंत्र टीवी, नसबगढ़।